नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और एग्जिट पोल के नतीजे हमने आपके सामने रखे, लेकिन जनता क्या एग्जिट पोल के नतीजों से इत्तेफाक रखती है? क्या थे वो मुद्दे जिन्हें जहन में लेकर जनता ने वोटिंग की? जनता की क्या राय है? लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सुनवाते हैं आपको क्या कह रहे हैं लोग। मोदी जी वापस आना है बहुत वोटों के साथ में, और जो राहुल गांधी कहता है चोर, वो नकार सकते हैं, वो कोई ऐसा झूठी बोल रहा है वो पोपर घंटा। हमने पहले ही डिसाइड कर चुका है कि 300 के ऊपर ही मोदी सरकार बनेगी और उनको पूर्ण बहुमत मिलेगा, और जो चौकीदार चोर है उसको देश ने नकार दिया है और झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी जी। जो भी है, ये नतीजे अपनी जनभावना के अनुकूल ही हैं। मोदी के थोड़ा विकास कार्य और उसकी साफ छवि और ईमानदारी पर सबको भी नाज है, और ऐसा कर्म कार्य को उसको कोई अपना परिवार भी वगैरह नहीं है तो देश अच्छा चला सकता है करके लोगों ने सब मोदी के हिसाब से ही वोट दिए हैं। जो 2014 से लेकर 2019 तक मोदी सरकार ने काम किए वो सराहनीय है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे कश्मीर में मिलिटेंसी का खात्मा हो, इसका कोई मुकाबला नहीं है जो मोदी सरकार ने किया। मेरे अंदाजे से कम भी एनडीए जो है बहुमत का आंकड़ा पार जरूर करेगी, और उसके साथ साथ जो इनके जो एनडीए के हैं वो 350 से पार जरूर जाएंगे, और इस बार फिर मोदी सरकार बनेगी। इसके अलावा गठबंधन जो है वो कांग्रेस का जो भी महागठबंधन है वो इस बार तो बिल्कुल फेल है। उम्मीद यही है कि इस बार भी मोदी घर घर होगा, मोदी ही जीतेगा, और इस बार भी अगर 336 2014 में सीटें इनकी आई थी, 2019 में ये आंकड़ा कम से 400 के पार होना चाहिए। बीजेपी बनाएगी सरकार अपने बलबूते पे। क्यों? काम किया है, विकास किया है, विकास के मुद्दे पे आएगा, देश के लिए बीजेपी जरूरी है। बीजेपी सरकार बननी चाहिए, अगर नहीं बनेगी तो ये देश का दुर्भाग्य है कि सरकार नहीं बनी। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है, जिस प्रकार से उनका कमिटमेंट है, उस सबका साथ सबका विकास जो नारा है, किसी एक के लिए नहीं, एक जात के लिए नहीं, एक पात के लिए नहीं, एक धर्म के विशेष के लिए नहीं, सभी के लिए, जो हिंदुस्तानी है उनके लिए। मोदी जी जिस तरह से पूरी दुनिया भर में घूमे हैं तो लोगों में एक विश्वास है, जाति पाति का जो बंटवारा है वो इस बार नहीं चलेगा, और लोगों को फुल्ली मेजोरिटी, जैसे पिछले 5 साल में जो गवर्नमेंट जिस तरीके से चली, अच्छा काम किया, तो इसीलिए आने वाले समय में फुल्ली मेजोरिटी में आएगी, और मोदी जी को और एक टर्म जनता देना चाहेगी। 306 के ऊपर बीजेपी का सीट जाएगा, क्योंकि पूरा देश में उसने अच्छा काम किया है, मोदी जी ने भी अच्छा काम किया है, इसलिए हम लोग सब मोदी जी के पीछे है। मोदी जी का राष्ट्रवाद हमको दिख रहा था, सबसे बड़ा रिएक्शन अगर जनता ने इस वक्त दिया है तो बालाकोट पे दिया है, हमारे सैनिक के ऊपर जो उन्होंने संदेश दिया है वो एक आक्रोश था। मोदी जी तो काम कर ही रहे थे, लेकिन वो आक्रोश कर रहा था, हमने बटन दबाया ताकि हमको ऐसा लग रहा था कि राष्ट्रवाद पे हम बटन दबा रहे हैं।